खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद से जीशान नरी, पीटीआई रहनुमा सतुमर की मीडिया से बातचीत। पंजाब से अवाम ने पैगाम दे दिया है कि वो आज भी पीटीआई के हैं। पाकिस्तान के अंदर पैगाम चला जाए कि आइंदा सिर्फ अवाम फैसला करेगी, हुकूमत कौन करेगा। मजीद जीशान अली की इस रिपोर्ट में। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके चंद दिन के बाद वजीर आजम इमरान खान ने हैदराबाद आना था और हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद रखना था, तो वो रिजीम चेंज की वजह से रुक गया। इंशाल्लाह ताला वापस हैदराबाद आएंगे और मैं जाती तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हैदराबाद आएं तो बार के भी तशरीफ लाएं। दूसरी बात, या वो किसी एमक्यूएम को सपोर्ट करते हो, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हो, जीडीए को सपोर्ट करते हो, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हो, देखिए सेहत कार्ड जो है वो सियासत नहीं है। सेहत कार्ड जो है वो खिदमत है आवाम की, और सेहत कार्ड की कोई शर्त नहीं है आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी मज़हब के मानने वाले हो, आप कोई ज़ुबान बोलने वाले हो। जो भी पाकिस्तानी उस सूबे के अंदर रहता है, हर पाकिस्तानी के लिए वो सेहत कार्ड सालाना एक खानदान के लिए 10 लाख रुपए की सेहत के इलाज के लिए आपको मिलता है। अब मसला ये है कि ये है सूबाई हुकूमतों के ज़रिए किया हुआ, जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है हमने सब जगह कर दिया है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि अगला जनरल इलेक्शन आ रहा है, सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी आ रहा है, और बाकी पाकिस्तान की तरह जिस तरह बाकी नया पाकिस्तान बन रहा है, इसी तरह नए सिंध का भी आगाज़ होगा।